तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देख लीजिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और इसमें जो है मैं चना दाल डाल के बनाऊँगी। मुझे चना दाल डाल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं वैसे ही बनाऊँगी। और ये देख लीजिए, बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जो जो कुछ भी डाला है मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। और अभी फास्ट में मैंने वीडियो को कर दिया है, क्योंकि फिर लंबा हो जाता है वीडियो, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं स्किप कर करके सभी लोग देखते हैं, तो मैंने कहा फास्ट कर देते हैं, जिससे जल्दी भी हो जाएगा और आप लोगों को यानी कि देखने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाएं। बोर वाला मैंने नहीं रखा। और ये देख लीजिए, इधर मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए आके। और आज मैंने बनाया था सब्ज़ी और पूड़ियाँ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ हम लोग को बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने कहा पूड़ियाँ ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए सब्ज़ी बन गई है और अभी आप लोग भी खा लीजिए आके। मैं तो खाने जा रही हूँ बनाने के बाद, यानी कि जब पूड़ियाँ बन जाएंगी तभी खाऊंगी, ऐसे पहले मैं तो नहीं खाऊंगी। और ये देख लीजिए, तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, अभी थाली मेरी लग गई है, यानी कि मैं नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्ट है, मैं गलती से बोल दी थी। और अभी ये देने जा रही हूँ मैं, जो कोई भी खाएगा उसको दे दूँगी। और इधर का स्टॉल में भर के रख दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया और घर का खाना बन गया है, खा भी लिया। और आज है मंडे, तो मंडे को मेरा फास्ट होता है, तो मैंने नहीं खाया है, सिर्फ चाय ही पिए हैं। और अभी ये देख लीजिए, मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैं जाती हूँ। फिर जो है रास्ते का अगर सूट कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर मैं जाती हूँ जल्दी से। और फिर मैं घर आके बात करूँगी आप लोगों से। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। जो मेरे चैनल पर नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से घर आके। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं थोड़ी सी ही है, ये बाहर की है, मैं जा गई थी वहीं की है, लेकिन फिर मैंने सही नहीं समझा बनाने के लिए, तो मैंने कहा फिर नहीं बनाएंगे, बस इसी इतना ही बना के फिर मैंने हटा दिया था। और अभी मैं आ गई हूँ घर पे। और घर पे आने के बाद तो आप लोग को पता है, फिर मन करता है, थक जाते हैं, तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं और ये पापड़ भून लेते हैं। तो वही मैं पापड़ भून रही हूँ, क्योंकि कहीं जाते हैं तो लगता है थकावट लगती है, और काम भले ही नहीं करते लेकिन थकावट तो लगती है। और ये देख लीजिए, मैं और शगुन थे, तो मैंने कहा मैं और शगुन अपने दो लोगों के लिए मैंने चाय ले लिया है। और ये देख लीजिए, अभी मैं चाय पीने लगी हूँ और अभी मैंने छान के रख दिया है, अभी शगुन आएगी तो फिर ये चाय ले लेगी। और ये वाले पापड़ में दिखा रही थी कि बिल्कुल ये ख़रीदे हुए हैं, हाँ बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। जितना बना के अगर पापड़ खाते हैं हम लोग, जो बनाते हैं हाथ से, जितना वो अच्छे लगते हैं, इनमें बिल्कुल स्वाद नहीं होता है, वही मैं दिखा रही थी। और ये देख लीजिए, शगुन ने जो है मुझे पानी दिया है पीने के लिए, क्योंकि मेरे प्यास लगी थी, वो अंदर पी रही थी, तो मेरा मन भी किया कि मैं पानी पी लूँ, तो मैंने कहा उसे मुझे भी दे दो, तो उसने दे दिए। और वो अपनी चाय लेके जो है अंदर चली गई, वो मैं पहले बोल रही थी, पहले नहीं गई थी, और इससे मैं कुछ बातें कर रही थी। और बाद में क्या हुआ कि इसकी चाय जो है गिर गई थी वहाँ जाके, गिरी नहीं, थोड़ी सी गिरी थी, लेकिन ये मतलब रोने लगी कि मुझसे चाय गिर गई, ये सोच रही थी कि मम्मी मुझे डांटे ना, तो फिर रोने लगी, तो मैंने उसको डांटा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है दूसरा कप ले आओ जाके, फिर मैं दे दूँगी इसी में से। तो फिर जब वो लेने के लिए आई तो उसमें बहुत सारी चाय थी, और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देख लीजिए, अभी मैं देखूंगी कि चाय है, तभी मैं हंस रही थी कि चाय है उस पर, तब भी ये रो रही है। और थोड़ी सी मैंने फिर अपने से डाल दिया है, बच्चे हैं थोड़ी भी कम हो जाती है तो उनका मन करता है कि हाँ। और ये वाले पापड़ में बोल रही थी कि ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये आलू के पापड़। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए, इधर टेढ़े मेढ़े कुरकुरे चैलेंज चल रहा है अभी और शगुन का, तो दोनों आज बोले कि हम लोगों को चैलेंज करना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो चैलेंज, देखते हैं कौन जीतता है। तो वही मैं बैठी थी कि ये लोग चीटिंग भी बहुत ज़्यादा करते, तो मैंने कहा मैं देखूँगी। और कोई टाइमिंग नहीं था कि जो कोई जल्दी खा लेगा वही था, मैंने टाइमिंग वगैरह नहीं रखा था कुछ कि टाइम की वजह से। और इधर मस्ती भी चल रही थी, हम लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और शगुन थोड़ा तेज खा रही थी क्योंकि थोड़ा बड़ी है, तो अभी ब्लॉग में बने रहिएगा, देखिए कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, तो आप लोग देख के और अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि कौन जल्दी जीत सकता है, ये आप लोग बताइएगा, लेकिन आपको उससे पहले पता ही चल जाएगा। और अभी ये देख लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही थी कि इतना मतलब 5 सेकंड में कौन जल्दी खा जाएगा, तो ये देख लीजिए शगुन जो है जीत गई है। तो वही मैं कह रही थी, आज का विनर कौन है,
तो ये देख लीजिए, इधर मैंने उसका हाथ उठा दिया और इसको बोल रही थी अभी को कि अब इतने बच गए हैं तो ये मैं खाऊंगी, तो वही मैंने इससे ले लिया था। ये भी खा रहा था, ऐसा नहीं मैं ही खा रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हार ही गए हो तो मैं ही खा लूँ। और इधर देखिए अभी मॉर्निंग हो गई, फिर उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, सो गए थे। और फिर जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा झाड़ू, सुबह उठ के झाड़ू ही लगाना ही होता है सबसे पहले, तो वही मैं झाड़ू लगा रही थी और साफ भी कर रही थी। बहुत दिनों से खिड़कियाँ वगैरह साफ़ नहीं किया था और इधर बातें भी कुछ कर रही थी मैं। क्या है कि सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग को झाड़ू ही लगाना पड़ता है, खाना बने या ना बने, खाएं हम लोग या ना खाएं, बस झाड़ू में और झाड़ू पोछा में लग जाते हैं। तो हम लोगों का यही काम होता है, अब उसके अलावा और क्या, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। और इधर ये देख लीजिए अभी मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे सिर्फ कपड़े ही कपड़े पड़े। मैंने बहुत बार बताया आप लोगों से कि यहाँ पे मैं कपड़े छत पर से उतार के लाती हूँ और यहीं पे रख देती हूँ सोफे और कुर्सियों पे, तो फिर जब टाइम मिलता है तो मैं जो है यहाँ पे फोल्ड कर लेती हूँ। और इधर ये देख लीजिए एक बोरी गेहूँ भी लगा है, ये धुला हुआ था तो मैंने इस वाले रूम में रख दिया था। और अब जो है मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगाने लगी हूँ। और पता है बड़ा घर होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सुबह सुबह मन बिल्कुल नहीं करता झाड़ू लगाने का, लेकिन फिर काम है हम लोगों का यही, तो करेंगे क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स सभी के घर में होता होगा। और ये देख लीजिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला, क्योंकि बच्चे जो है रात में पढ़ाई करते हैं और फिर बुक्स वगैरह का पेज फाड़ते रहते हैं, तो यही देख लीजिए कितने पेज। और इधर ये ग्रीन ग्रीन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये करेले हैं मेरे यहाँ, पहले एक बार तोड़े थे फिर बनाए ही नहीं। जब क्या होता है कि जब घर पे कोई चीज़ होती है फिर बनाने का मन बिल्कुल ही नहीं करता है, तो वही फ्रिज में लगे थे, ख़राब हो गए थे, मैंने कहा आज फेंक देते हैं। और कल ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैंने दूसरी बार करेले तोड़े थे तो अच्छे खासे जो है निकले थे, तो फिर मैंने इनको कहा कि हटा देते हैं, तो मैंने इसीलिए इनको हटा दिया। जबकि मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या होता है जब घर पे होते हैं तो फिर वो पसंद नापसंद में बदल जाती है, तो मैं वही इसीलिए मैंने इनको फेंक दिया था। क्योंकि जब अच्छे ताज़े ताज़े मिल जाते हैं फ्रेश करेले तो इनका फिर क्या करूं। तो फ्रेंड्स व्लॉग को करते हैं पे एंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।